नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते तल्ख होने के चलते भारत और पाकिस्तान अब द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलते। भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बाद भारत सरकार ने यह फैसला किया था कि भारत पाकिस्तान के बीच अब कोई सीरीज नहीं खेली जाएगी जब तक सीमा पर तनाव कम नहीं हो जाता। दोनों देश सिर्फ ICC के इवेंट्स में ही साथ खेलते नजर आते हैं। आखिरी बार दोनों टीमें 2019 वर्ल्ड कप में खेलती नजर आई थी जिसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी। भारत और पाकिस्तान ने आखिरी बार 2012-13 में एक द्विपक्षीय सीरीज खेली थी। दोनों देश साथ में क्रिकेट सीरीज खेले इसको लेकर कई बार बातें हो चुकी हैं। कई पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने एक दूसरे के खिलाफ खेलने की संभावना के बारे में कई बार बात की है। भारत और पाकिस्तान के बीच खराब राजनीतिक रिश्ते का असर क्रिकेट पर पड़ा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज जुनैद खान का मानना है कि उनकी टीम को बड़े मैचों के लिए तैयार होना है तो इसके लिए भारत के खिलाफ क्रिकेट खेलना जरूरी है। पाकिस्तान टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है जहां उसे पहले दो वनडे इंटरनेशनल मैचों में हार झेलनी पड़ी है। क्रिकेट पाकिस्तान से बातचीत के दौरान जुनैद खान ने कहा, अगर आप बड़े मैचों का दबाव झेलना चाहते हैं और खुद को निखारना चाहते हैं तो आपको भारत के खिलाफ खेलना होगा। दोनों टीमों पर एक तरीके का ही दबाव होता है। मुझे लगता है इन दोनों देशों के बीच हमेशा मैच होते रहने चाहिए लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। उन्होंने आगे कहा, जब मैं 2012-13 में भारत दौरे पर आया था तब मैंने काफी कुछ सीखा था। मैंने सीखा कि दबाव को कैसे झेलना है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट शुरू फिर से होती है तो दोनों मुल्कों के लोग काफी खुश होंगे। आपको बता दें, जुनैद का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ काफी शानदार रहा है। बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज ने भारत के खिलाफ 6 मैच खेले जिसमें 20 के औसत से 9 विकेट झटके हैं। इनमें से 8 विकेट 2012-13 के सीरीज में आए थे। उस सीरीज के दौरान उन्होंने 12.37 की औसत से गेंदबाजी की थी। गेंदबाजों के दम पर पाकिस्तान ने उस सीरीज को 2-1 से जीता था। इस 31 वर्षीय गेंदबाज ने पाकिस्तान के लिए अब तक 76 वनडे मैच खेले हैं जिसमें 29 के औसत से 110 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी वनडे वर्ल्ड कप 2019 से ठीक पहले इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। इसके बाद से वो टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है जहां शुरुआती दोनों वनडे मैच हारने के बाद टीम ने सीरीज गंवा दी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।